नमस्कार दोस्तों, मैं विशाली सोनी द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे डेरे के सच जानने के लिए जो कि हर रोज हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज हम जो डेरे के फॉलोवर्स हैं उनसे पूछना चाहेंगे। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? राहुल इंसान। जी कहाँ से हैं? मैं सुख सागर कॉलोनी गली नंबर 1 से हूँ। जी तो आज यहाँ आप डेरे में किस पर्पस के लिए आए? डेरे में हमारे कैंप की सेवा है। हम शास्त्र नाम जी बॉय स्कूल में पढ़ते हैं। किसी भी स्कूल में ऐसे मोटिवेट नहीं करते सेवा के लिए, पर हमारे शास्त्र नाम जी बॉय स्कूल गर्ल्स स्कूल इंटरनेशनल स्कूल में जहाँ पूज्य गुरु जी का नाम आता है वहाँ इतना मोटिवेट करते हैं हमें सेवा के लिए। किसी गरीब की कैसे मदद करनी है हमारे स्कूल में ये ज़्यादा चीज़ें बताते हैं। चाहे हमारे स्कूल में स्टडी थोड़ी सी कम हो पर हमारे स्कूल में ज़्यादा बताते हैं सेवा के बारे में कि माँ बाप का कैसे आदर करना, यही ज़्यादा काम आएगा। जी तो आपके इंस्टीट्यूट्स आपके स्कूल्स का माहौल कैसा है? बहुत ही अच्छा माहौल है, एक ऐसा इन्वायरमेंट आज तक मैंने ऐसा स्कूल कभी नहीं देखा। शास्त्र नाम जी बॉय स्कूल में मैं पढ़ता हूँ और मैंने आज तक कभी ऐसा स्कूल नहीं देखा जो शास्त्र नाम जी बॉय स्कूल है। आप जितनी मर्जी बार सर से कुछ पूछ लें, सर बेझिझक बताते हैं। चाहे हमें आधा घंटा हमें पहले तो स्टडी कराते हैं, उसके बाद 10 मिनट हमें मोटिवेट करते हैं कि मतलब किस चीज़ को कैसे करना है, कैसे आपने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे बड़ों से बात करनी है। और आज हमारा गर्ल्स स्कूल बॉय स्कूल देश का 1 स्कूल माना जाता है। तो गुरुजी ने क्या खेलों वगैरह में भी क्या योगदान दिया है? बहुत गुरुजी ने खेलों के लिए, जब पूज्य गुरुजी यहाँ होते थे आज हमें बहुत याद करते हैं। स्टडी के लिए वो हमें मोटिवेट करने आते थे। कोई गलत काम नहीं होता था, मीडिया जो बता रही है वो सबसे गलत बोल रही है। कोई गलत काम नहीं होता था डेरा सच्चा सौदा में। और जब पिताजी हमें मोटिवेट करने आते थे तब हमें बहुत अच्छा लगता था। बहुत कुछ हम पिताजी से डाउट पूछते थे अपने, तो पिताजी हमें बेझिझक बताते थे। शास्त्र नाम की गर्ल्स स्कूल में मेरी सिस्टर पढ़ती है, वो भी ऐसे ही बताती है कि पिताजी आते थे जब तो पिताजी उनको ऐसे ही मोटिवेट करते थे। खेल कूद में पिताजी ने बहुत मोटिवेट किया। आज हमारे स्कूल बहुत ऊँचे हैं खेल कूद में भी। जी तो आप जैसे कि बता रहे हैं जो आपकी बहन है वो भी शास्त्र नाम जी गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है, तो आप बताइए आपका जो आपने अपनी लड़की को स्कूल में डाला है तो वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ की लड़कियों के प्रति सिक्योरिटी कैसी है? कोई भी भाई या माँ बाप लड़कियों को किसी स्कूल में डालने के बारे में सोचते होंगे, पर एक ऐसा स्कूल है शास्त्र नाम जी गर्ल्स स्कूल, शास्त्र नाम जी बॉय स्कूल, वहाँ माँ बाप बिल्कुल नहीं सोचते, बेझिझक डालते, क्योंकि उनको पता है ये पूज्य गुरु जी द्वारा बनाया गया स्कूल है और गुरु जी के इतने वचन हैं। वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स हैं और पूरी वहाँ सेफ्टी है, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, लड़कों का आना जाना वहाँ पर नहीं है, बस सेफ बहुत है शास्त्र नाम जी गर्ल्स स्कूल एंड शास्त्र नाम जी बॉय स्कूल। जी तो गुरु जी पे जो इल्ज़ाम लगाए गए थे कुछ दिनों पहले उनके बारे में? सब झूठे इल्ज़ाम है, कोई भी सच्चा इल्ज़ाम नहीं है। आप यहाँ पर डेरे में आइए और जांच करके देखिए, ये भाइयों की साइड अलग होती है, बहनों की साइड अलग होती है। कोई भी ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं सभी आरोप गलत हैं। मैं सरकार से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि हमारे गुरुजी को जल्द से जल्द डेरे में लाया जाए। आज उनकी हमें इतनी ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत है, इतनी तो हमें धन दौलत की नहीं है जितना आज गुरु जी की ज़रूरत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस तरह जो इस इंस्टीट्यूट्स के बच्चे हैं वो भी सरकार से यही गुहार कर रहे हैं कि उनके गुरु जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए ताकि वो अच्छी शिक्षा पे रहकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। धन्यवाद।